नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज मैं आपको दो तरह के खाद बनाना बताती हूँ। तो जैसा आपको आइडिया अच्छा लगे वो आप अपनाएं। तो पहला खाद आप घर पे अगर पॉसिबल है तो ज़रूर बना लें। ये आप देख रहे हो, ये मिट्टी की जो खाद देख रहे हो, इसमें सूखी पत्तियाँ और सब्जियों के छिलके हैं जो मैंने ज़मीन में 3 महीना पहले डाल दिया था। 3 महीने बाद मैंने कुड़ाई करके निकाला तो मिट्टी, सूखी पत्तियाँ और सब्जी के छिलके अच्छी तरह मिट्टियों में मिक्स हो गए हैं। और इसे मैं चाल के ऐसे देखिए इतना निकाल ली हूँ, हालांकि मेरे पास अभी बहुत सारे हैं, मैं आप दिखाने के लिए आपको ये निकाली हूँ। तो इसमें एक ये कंप्लीट एक खाद बन के तैयार हो गया है। अगर आपको शौक़ है इस तरह बनाने का मिट्टी के साथ में और आपके पास जगह नहीं है तो आप इस तरह घड़े का इस्तेमाल करें, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं ऑलरेडी भर चुकी हूँ उसमें मिट्टियों के साथ में, मैंने सूखी पत्तियाँ डाला है और सब्जियों के छिलके भी डाला। और ये जो आप देख रहे हो इसमें मैंने थोड़े से NPK, थोड़े से नीम की खली, सरसों की खली और जाय मिक्स कर दिया, क्योंकि ये कम्प्लीट भरपूर खाद 100% खाद बन के तैयार हो जाएगा। इसमें आप हल्के हल्के पानी का छिड़काव करते रहें और एक एक दिन पर चलाते रहें तो ये आपके खाद बन के तैयार हो जाएगा। और आप इसको चेक करते रहें, इसको ढक के रखें और बीच बीच में आप चेक करते रहें कि मिट्टी इसकी कितनी तैयार हो चुकी है। और इसको चाल के, चालन से या किसी से जैसे आपको पॉसिबल हो, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं तो इससे चाल लेती हूँ, वो जिसे बारीक निकल जाते हैं ये मैं टोकरी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो आप इस तरह चाल के और जो मिट्टियाँ निकलेंगे आप इसमें डाल सकते हो। दूसरा दोस्तों, ये है सरसों की खली और ये है नीम की खली, ये है NPK और ये जाइम। तो आप ये जो चार चीज़ें हैं, मैंने ये देखा है कि अगर आपको ये सब बनाना पॉसिबल नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो ये जो ऑर्गेनिक खाद है आप इसे लेके आएँ। इसमें से कोई सा भी लेके आए, एक भी इसमें से लेके आएँ, काफ़ी अपने आप में कंप्लीट खाद है। ये सरसों की खली है जो आप देख रहे हो, ये जो आपके दो ऐसे, ये जो दो पार्ट आप देख रहे हो, मतलब सरसों खली के दो टुकड़े, तो ये दोनों टुकड़े कम से कम 2 गमले 3 गमले के लिए काफ़ी है। तो ये भी बाज़ार से जो ऑर्गेनिक खाद आते हैं तो इसको ये काफ़ी महंगा नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो दो छोटे से जो टुकड़े हैं और 2-3 गमलों के लिए काफ़ी मतलब हो जाते हैं। तो इस तरह 1 किलो जो है वो काफ़ी गमलों में आपके काफ़ी दिनों तक चलेंगे। और ये जो नीम की खली है ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भगाने में, दीमक को भगाने में मदद भी करता है। इसको हम इसको पानी में भिगो के और इस छान के और इस पेड़ के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं ताकि कीड़े ना हो। इसको हम मिट्टी में मिक्स करके भी खाद डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, मिट्टी में मिक्स करके डाल सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से इसको डाल सकते हैं। और ये जो NPK जाए में इनके लिक्विड फॉर्म भी आते हैं, आप इसे लिक्विड फॉर्म भी डाल सकते हो अगर आपको इस तरह खुला के नहीं डालना हो या फिर इस तरह नहीं डालना हो तो। और ये देखिए मैंने सरसों की खली का इस तरह पाउडर बनाया। अगर आपको पॉसिबल है तो मार्केट में सरसों की खली के पाउडर भी मिलते हैं तो आप उसको भी लेके आ सकते हैं। सरसों की खली का ध्यान रखें कि जो सबसे पुरानी होती है, इसकी पूरी तेल निचोड़ी होती है वो ले आइए, जो नई नई होती है जो उसमें तेल की मात्रा थोड़ी होती है तो वो लेके ना आए, वो थोड़ा पौधे को नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये जो मैं आपको एक सिंपल सा दिखाती हूँ, आप कोशिश करें कि ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं बना के डाल चुकी हूँ। तो ये आप मिट्टी के घड़े में इसको बनाएं। अभी तो मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा आपको बताती हूँ। तो ये जो आप सरसों के खली का खाद बनाएंगे उसको आप मिट्टी के घड़े में बनाएं तो बेहतर होगा। मैं आपको एक मिनट। तो दोस्तों ये जो मैं ज़मीन में बनाती हूँ खाद, ये जो है तो इसे तो मैंने आपको दिखाने के लिए बना दिया है। तो इसको मैं फ़िलहाल ज़मीन में उलट के मैं आपको इसी में सरसों की खली का खाद बनाना के तरीके दिखा देती हूँ। तो जैसे दोस्तों कि ये देख रहे हो आप गड्ढा, इसमें पहले से मैं सूखी पत्तियाँ डाली थी जो मिक्स हो गए थे, तो उसको मैं निकाल ली हूँ और ये गड्ढा हो गया है। और एक आप वहाँ पर देख रहे हो गड्ढे, तो इसमें से भी मैंने काफ़ी मिट्टियाँ निकाली। और ये जो आप देख रहे हो इसमें ऑलरेडी मैं सूखी पत्तियाँ डाल चुकी हूँ, ये देखिए, ये देखिए। तो गड्ढे में से मैं मिट्टी निकाल के, और जब गड्ढा मतलब खाली हो जाता है तो इसमें फिर से मैं सूखी पत्तियाँ डाल देती हूँ। और सूखी पत्तियों में मेरे पास नीम, नींबू, अमरूद, सीताफल, कस्टर्ड, मतलब जो भी है सब कुछ है। तो ये जो मैं आपको, ये तो मैं मिट्टी, मेरे पास ज़मीन अवेलेबल है तो मैं इसमें बना रही हूँ, इसको इसमें मैं डाल देती हूँ।
और 3 महीने बाद दोस्तों इतने अच्छे कंप्लीट खाद बन के आते हैं कि मैं मुझे बाज़ार से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, थोड़ा बहुत बेहतर खाद बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, इसमें वही जैसा कि आपको बताया था NPK सरसों की खली, नीम की खली डाल देती हूँ। और मैं थोड़ा दूसरों के लिए भी बनाती हूँ, क्योंकि दूसरों सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे लिए भी आप खाद बना के तैयार कर दें, तो मैं इसके लिए बनाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह मैं मिट्टियों से इसको अच्छी तरह से ढक दूँगी। और अगर बारिश नहीं हो रही दोस्तों तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर सकते हो, बारिश के मौसम में खूब अच्छे से इसके हो जाते हैं। तो ये इस तरह से आप इसको अच्छे से ढक दीजिए। और सब्जियों के छिलके भी दोस्तों इस तरह से बना सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप मिट्टी के घड़े में बनाएं। फिलहाल इसमें हम चलते हैं सरसों की खली का खाद बनाने। तो दोस्तों इस तरह आप मिट्टी के घड़े ले लें और इसमें आप सरसों की खली आप आधा किलो के समथिंग में आप इसको डाल दें, और आधा एक किलो तो काफ़ी होता है, इसमें एक किलो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, तो आधा किलो ही इसमें डालें। और डालने के बाद इसमें पानी डाल के, ये पानी डाल के, और उसके बाद ना इसको 3-4 दिन आप रहने दें। 3-4 दिन बाद मतलब बीच बीच में थोड़ा एक दिन पर चलाते रहें और फिर इसको ढक दें। 3-4 दिन बाद आप इसको निकालेंगे तो फिर इसका छान के अच्छी तरीके से, मतलब 1 किलो सरसों की खली तो कम से कम 10 किलो पानी आप डाल देंगे, 10 से 15 किलो तो काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि मैंने बताया था कि इसका दो इतने थोड़े से ही चीज मतलब टुकड़े 2-3 गमले के लिए अच्छे खासे तैयार हो जाते हैं, तो आपको बाज़ार से लाने में घाटा नहीं है, आप इसे ला के बना सकते हैं। और इसके पानी को अच्छी तरह से छान के कपड़ों से, जो इसके मोटे मोटे बाद में जो छिलके निकलेंगे उसको अलग कर दें, और उसके बाद उसके जो पतले पानी हैं आप सभी गमलों में डाल दीजिए, काफ़ी फायदेमंद। हड़बड़ा के मत डालिए और ज़्यादा मत डालिए, यानी हम गाढ़े गाढ़े खाद ही डाल देते हैं, मतलब उसके जो नीचे के निकलते हैं, और जो जो नीचे का पार्ट निकलते हैं उसमें फिर से पानी डाल के आप उसको फिर से 3-4 दिन बाद आपको कंटिन्यूसली जारी रख सकते हैं इसको। तो उसमें और खाद अगर सरसों की खली मिक्स भी कर सकते हैं, जिससे आगे और खाद बन के तैयार होने में मतलब वो कारगर रहेगा। तो आप इस तरह बना दीजिए। और उसमें सरसों की खली में खाद बनाते समय नीम का और उसमें भी वही रेशियो डालिए जैसे मैंने मिट्टी में डाला था, मिट्टी और सूखी पत्तियों के में मैंने सरसों की खली, थोड़े से नीम की खली और NPK और जैम डाल दिया था ताकि बेहतर खाद बन के आ जाए। तो उसी तरीके से आप सरसों की खली जब बनाए तो उसमें पहले ही आप नीम की खली डाल दें, जैम ये दोनों डालना ज़रूरी नहीं है, NPK और ये जैम। तो नीम की खली आप डाल के मिक्स कर दीजिए, तो नीम की खली सरसों की खली के साथ में जब खाद आप गमलों में डालोगे तो ये छोटे मोटे चींटियाँ कीड़े मकोड़े भी समट जाएंगे। और थोड़ी सी कुड़ाई करके, सूखे पाउडर जो होते हैं थोड़ी कुड़ाई करके डालना पड़ता है, लिक्विड फॉर्म में तो डालें तो आप इस तरह ही डाल दें। तो ये मेरे 3-4 दिन हो गए थे, धूप हो रही थी और ये पौधे थोड़े सूखे से लग रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज खाद भी बनाऊं और आपको बताते चलूं। और दूसरी खाद दोस्तों आप जो दिख रहे हैं पत्तियां, यहाँ पे सूखी पत्तियां बिखरी हुई है, तो इसका भी एक जल्दी से आपको बता देती हूं। हालांकि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है और इतना टाइम भी नहीं होता है किसी के पास। तो ये सूखी पत्तियाँ क्या है, इसको हम मिट्टियों में डाल के ऐसे ही धूप में सुखाते हैं और इसे क्रश करके अच्छे से, आप जब भी क्रश करें तो ग्लव्स पहन लें, या मिट्टियों के जब भी काम करें ग्लव्स पहन के करें। अभी तो फ़िलहाल मैं पहनी नहीं हूँ, ग्लव्स मेरे काफ़ी सारे ख़राब हो चुके हैं। तो ये जो आपको ये जो दिख रहा है ये बारीक वाला, ये जो बारीक दिख रहा है, तो जब भी आप पौधे नए लगाएं तो उसमें ये इसको चाल के इससे देखिए, इसकी सहायता से ऐसे, इसकी सहायता से ऐसे चाल के, और जो बारीक निकलते हैं ये वाले, ये देखिए ये जो निकलते हैं बारीक वाले, इसको आप मिट्टियों में मिक्स करके और आप सभी गमलों में छिड़काव भी कर सकते हैं, या फिर जो नए गमले आप तैयार कर रहे हैं, नई मिट्टियाँ तैयार कर रहे हैं उसमें इसको मिक्स करके डाल सकते हैं। तो ये मिट्टियों में पाउडर ऑलरेडी है तो मिक्स हो जाएगा और अच्छे से खाद बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह ज़रूर अपनाएं, और सरसों की खली, नीम की खली जो ये जो है एक कंप्लीट ऑर्गेनिक खाद है, आप पौधों के लिए बहुत अच्छा है, फूलों के लिए भी अच्छा है, टहनियाँ जड़े सब कुछ के लिए कंप्लीट ये खाद है। तो आप इस तरह मिक्स कर ले, या फिर सिंपल मिट्टी में, ये तो मेरे पत्तियों की खाद है, सिंपल मिट्टी में भी थोड़ी थोड़ी मात्रा इसकी करके आप जैसे, और इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो सकती है सरसों और इसकी मात्रा
थोड़ी थोड़ी इसकी मात्रा लगा के आप मिक्स करके फिर आप गमले तैयार कर सकते हो या फिर गमलों में छिड़काव कर सकते हो, दोनों तरीके से सही रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरे आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको आइडिया पसंद आए तो इसे आप ज़रूर अपनाएं। पौधे आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे, पौधों में फूल अच्छे खिलेंगे, अब पौधे स्वस्थ रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट की जानकारियों के साथ।